मजबूत लोग या मजबूत राजनेता विपक्षी खेमे में होते हैं तो सत्ताधारी खेमा उस समाज को काफ़ी महत्व देता है। विरोधी खेमे में जो मजबूत जाट लोग हैं तो उनको कमज़ोर करना ही एकमात्र उद्देश्य है। इतिहास को लेकर के जो गुजरों की लड़ाई थी तो उसका कोई एक मतलब लीडर नहीं था। जिन लोगों ने इतिहास को मिटाने की कोशिश की वो खुद जो है लाखों वोटों से जीत गए। सरकारों को लेकर के जो संघर्ष की जो वृत्ति होनी चाहिए थी वो विकसित नहीं हो पाई है। ये गुर्जर समाज की कमी रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी इस समय जाट समाज पर खूब मेहरबान दिखाई दे रही है। पहले जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया और अब उत्तर प्रदेश की कमान भी जाट समाज के एक व्यक्ति के हाथों में सौंपने का काम किया है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट समाज को आखिर लगातार सम्मान देने का काम क्यों कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में 2024 का लोकसभा चुनाव है? और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह तोमर जी मौजूद हैं। बलबीर सिंह तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाट समाज को सम्मान देने का काम कर रही है। पहले देश का उपराष्ट्रपति बनाया, अब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए विपिन भाई, ये देश की आज़ादी के बाद एक कांग्रेस राज की भी ये परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी इसको फॉलो किया जा रहा है कि जिस समाज के या जिस बिरादरी के कुछ मजबूत लोग या मजबूत राजनेता विपक्षी खेमे में होते हैं तो सत्ताधारी खेमा उस समाज को काफ़ी महत्व देता है। तो ये केवल उसी परंपरा का निर्वाह है। अब आप देखिए, उधर चौधरी राकेश टिकैत, जयंत चौधरी वहाँ मौजूद हैं। हरियाणा में जो है एक बड़ी ताकत के रूप में हुड्डा जी हैं और चौटाला परिवार की भी एक ब्रांच है जो विपक्षी खेमे में है। और एक जो गवर्नर के पद पे फिलहाल जिम्मेदारी निभा रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, तो वो भी किसानों के मुद्दों पर कई चीज़ों को लेकर के सरकार के विरुद्ध बोलने का की मतलब साहस करते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को सम्मान दे, उनको महत्व दे। यानी जाट समाज के लोग जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाट समाज को सम्मान केवल इसलिए दे रही है जयंत चौधरी को कमज़ोर करना है, यानी इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि वो जो विरोधी खेमे में जो मजबूत जाट लोग हैं तो उनको कमज़ोर करना ही एकमात्र उद्देश्य है और वो इसीलिए ये महत्व दिया जाता है। यही परंपरा कांग्रेस के ज़माने में रही है। विधानसभा चुनाव से पहले की यदि मैं बात करूं तो जाट समाज लगातार सरकार का विरोध करता रहा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता रहा, और दूसरी तरफ गुर्जर समाज की यदि मैं बात करूं तो गुर्जर समाज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता रहा, सरकार का विरोध करता रहा। गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज को लेकर विरोध करता रहा, तो सम्मान जाट समाज को, गुर्जर समाज को भी कुछ मिला है कि नहीं? नहीं, देखिए उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है कि किसानों के मुद्दे पर वहाँ उधर जो जाट समुदाय जो उसको नेतृत्व कर रहा था तो वहाँ एक मजबूत लीडरशिप खड़ी थी। इतिहास को लेकर के जो गुर्जरों की लड़ाई थी तो उसका कोई एक मतलब लीडर नहीं था और उसका कोई संगठनात्मक उसका विरोध का कोई स्वरूप नहीं था, तो इसलिए उसकी कोई ज़्यादा माने नहीं हुए। गुर्जरों ने सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोर्ड तो लगाए, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास को मिटाने की कोशिश की वो खुद जो है लाखों वोटों से जीत गए और वोट वहीं दिया। यानी जाट समाज ने विरोध किया और उसे चुनाव में
सिद्ध भी किया और गुर्जर समाज ने जो विरोध किया वो चुनाव में सिद्ध नहीं कर पाए। हाँ, वो जो उनका विरोध था, जो उनका आक्रोश था, उसको सिद्ध नहीं कर पाए। और ये काफ़ी लंबे समय से ये गुर्जर समाज की कमजोरी रही है कि वो जो मतलब मुद्दों को लेकर, जो अपने अधिकारों को लेकर के जो संघर्ष की जो वृत्ति होनी चाहिए थी वो विकसित नहीं हो पाई है। ये गुर्जर समाज की कमी रही है। वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं और गुर्जर समाज की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान समय में गुर्जर समाज की क्या राजनीतिक हैसियत है? नहीं, राजनीतिक हैसियत तो तब होती है ना, नेता कौन? तो नेता वो या तो जिसकी कलम में टिकट देने की ताकत हो, या फिर वो है जिसके कहने से टिकट दिया जाए। तो आज इस हैसियत में गुर्जर समाज कहीं नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सतपाल मलिक को कमज़ोर करना चाहती है, चौधरी राकेश टिकैत को कमज़ोर करना चाहती है, जैन चौधरी को कमज़ोर करना चाहती है और लगातार जाट समाज को सम्मान दे रही है, तो क्या गुर्जर समाज में भी इस प्रकार का कोई नेता है जिसे कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज का भी कुछ सम्मान कर दे? नहीं, ये बड़ी हास्यास्पद मतलब स्थिति है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और हमारे नागर जी, ये वहाँ समाजवादी पार्टी में काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, तो सब लोग, जितने लोग विरोधी जो विपक्षी खेमे में जो गुर्जर समाज के लोग थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले आए, तो वहाँ किसको कमज़ोर करना है? तो वहाँ कोई ऐसा पहचान वाला बड़ा नेता नहीं रहा। हाँ, एक नेता सचिन पायलट तो इस रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन चूँकि उनकी पार्टी ने ही उनको महत्व नहीं दिया। वो अगर CM बने होते राजस्थान के, तो भाजपा को गुर्जरों को महत्व देने के लिए सोचना पड़ता। तो जो समाज पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो यानी उस समाज की जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, गुर्जरों को देख करके तो यही लगता है, क्योंकि सहारनपुर से और झांसी तक गुर्जरों ने 3/4 से ज़्यादा जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? एक राज्य मंत्री का पद, और वो भी पिछली सरकार में, मतलब इससे कुछ अच्छी स्थिति थी? कम से कम स्वतंत्र प्रभार का तो एक वो था, राज्य मंत्री नहीं मिला है। गुर्जर समाज ने विधानसभा चुनाव से पहले खूब हो हल्ला किया, गाँव में बोर्ड भी लगवाए, तो क्या गुर्जर समाज अपना विरोध को जो शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँचाने में नाकामयाब रहे? हाँ नहीं, वो जब भेड़ चाल होती है ना, तो कुछ मतलब ये लगता है कि गुर्जर समुदाय राजनीतिक दृष्टि से वो भेड़ चाल का शिकार है, तो फिर जब भेड़ चाल वाली स्थिति होती है तो बहुत ज़्यादा महत्व मिलने की, सम्मान मिलने की संभावना नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज के भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े नेता आए, राज्यसभा सांसद आए, उन्होंने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान देने का काम कर रही है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। मतलब इसकी बात छोड़ दीजिए मंत्री वाली भी, कि अभी देखिए जाट समुदाय से है वो हमारे लिए बहुत अत्यंत आदरणीय है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और वो कभी मतलब उन्होंने कभी संघ को या जनसंघ को, जो तत्कालीन पार्टी थी भाजपा का जो पहला स्वरूप था, उनको उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। वो क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है, उसकी घोषणा की है। लेकिन गुर्जर समुदाय से जो लोग मतलब आए हैं, जो क्रांतिकारी हैं, विजय सिंह पथिक जी हैं, और जिन्होंने तैमूर लंग जैसे आताताई को गंगा जमुना के दुआबे में घुसने नहीं दिया था, वो योगराज जी पंवार, उनके नाम पर कुछ नहीं किया गया है। तो इसलिए ये सम्मान की बात गले नहीं उतरती है, जिस सम्मान के हकदार हैं वो नहीं मिला है। दादरी प्रकरण जिस समय हुआ और जो सम्राट मीर भोज उनके नाम से पहले जो गुर्जर शब्द था वो हटा दिया गया, तो उस समय गुर्जर समाज ने खूब हल्ला किया और कहा कि गुर्जर समाज का अपमान है, लेकिन जिस समय चुनाव आया, जैसा कि आप बता रहे हैं, गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, तो क्या वह अपमान उस समय फिर सम्मान में बदल गया?
नहीं, इसमें क्या है कि देखो जब हम तुलना करते ना तो जाट समुदाय जो है वो शिक्षित रहा है और स्वतंत्रता से पहले ही वहाँ कुछ बहुत अच्छे बुजुर्ग जैसे सर छोटू राम और एक बहुत बड़े भजनोपदेशक पृथ्वी सिंह बेधड़क, तो ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने उनको जगाया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया, राजनीति के प्रति जागरूक किया और हकों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके विपरीत गुर्जर समुदाय में इस तरह की बात देखने में नहीं आई और जो तत्कालीन जो लोग आगे थे या जो गुर्जर सभा को चलाने वाले लोग थे तो उनके जो मुद्दे थे वो असली मुद्दों की बजाय कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते रहे जिनका कोई मतलब भविष्य में जिनका कोई अर्थ नहीं था। चलिए, तो आपने सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह तोमर को सुना जिन्होंने बताया है कि जाट समाज ने सरकार का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और उसे शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए जाट समाज को सम्मान मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।